हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था टेरिडोफाइट्स का और उनका एक ओवरव्यू डिस्कस किया था बेसिकली, ठीक है, जहां मैंने आपको उनका बॉडी का स्ट्रक्चर बताया, उनका हैबिटेट्स बताया बेसिकली, और उनका रिप्रोडक्शन के बारे में भी डिस्कस किया था। इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट, कि जो टेरिडोफाइट्स हैं, ठीक है, जिनको स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला गया है, ठीक, उनको कितने डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया और उन डिविजन्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है बेसिकली, एज वेल एज उनके एग्जाम्पल क्या क्या है। तो यहाँ पे उनकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे टेरिडोफाइट जो है दे आर डिवाइडेड इन फोर डिविजन्स, ठीक है। अब उन फोर डिविजन्स के अंदर सीलोप्सिडा होगा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा एंड फिलीसिना, ठीक है, या ऐसा ही बोल सकते हैं हम कि सीलोफाइटा होंगे, लाइकोफाइटास इंक्लूडेड होंगे, आर्थ्रोफाइटास इंक्लूडेड होंगे और फिलिकोफाइटास इंक्लूडेड होंगे बेसिकली, ठीक है, टेरिडोफाइट्स के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और हमें अच्छे से पता है कि टेरिडोफाइट्स जो है उनको स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है और रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी कि उनका रूट कैसा है, उनका स्टेम कैसा है या लीफ कैसा है उनका बेसिकली, ठीक है, तो एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी टेरिडोफाइट्स आर डिवाइडेड इन फोर डिविजन्स, ये चार डिविजन्स हैं, डिविजन्स, ठीक है, सीलोप्सिडा, सीडा और सीलोफाइटा भी इसको बोल सकते हैं, और सीलोफाइटा, सेकेंड लाइकोप्सिडा और इनको लाइकोफाइटा भी बोल सकते हैं, लाइकोफाइटा, थर्ड इज स्पिनोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा बेसिकली, और इनको आर्थ्रोफाइटा भी बोल सकते हैं, फाइटा, एंड फोर्थ इज फिलीसिना और फिलिकोफाइटा भी उनको बोल सकते हैं, फिलिकोफाइटा जिसके अंदर सारी पार्ट्स इंक्लूडेड है बेसिकली। तो यहाँ सीलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा एंड फिलीसिना है, तो दे चार फोर डिविजन्स है जो कि कंप्लीट टेरिडोफाइट को डिवाइड करते हैं बेसिकली, और इनका जो क्लासिफिकेशन है वो उसका बेसिस जो है दैट इज द मॉर्फोलॉजी बेसिकली और उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है। तो वन बाय वन इन डिविजन्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज द सीलोप्सिडा, तो सीलोप्सिडा डिविजन जो होगा इसके जो प्लांट्स है वो मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स है, ठीक है, और ओल्डेस्ट प्लांट्स होंगे, ठीक है, और इनको फॉसिल प्लांट्स भी हम बोलते हैं बेसिकली। तो यहाँ ये जो सीलोप्सिडा की प्लांट्स होंगे, ठीक है, दे आर एंशिएंट वास्कुलर प्लांट्स जिनका बॉडी जो होगा वो कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड होगा रूट, स्टेम एंड लीफ के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट इज सीलोप्सिडा, फर्स्ट डिविजन इज सीलोप्सिडा बेसिकली, सीलोप्सिडा और सीलोफाइटा, सीलोफाइटा, फाइटा, और सीलोफाइटा बेसिकली, और सीलोफाइटा, फाइटा, तो सीलोफाइटा के जो प्लांट्स होंगे या इस डिविजन को मोस्ट प्रिमिटिव, मोस्ट प्रिमिटिव, ओल्डेस्ट प्लांट्स इंक्लूडेड इसके अंदर, ओल्डेस्ट प्लांट्स,
और फॉसिल्स प्लांट्स भी बोल सकते फॉसिल्स प्लांट्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जो सिलोक्सेरा जो डिवीजन है, ठीक है, उसके अंदर रखा गया मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स को, ओल्डेस्ट प्लांट्स को और फॉसिल्स प्लांट्स को बेसिकली, ठीक है। तो दे आर द एंशियंट वास्कुलर प्लांट्स, दे आर एंशियंट वास्कुलर प्लांट, वास्कुलर प्लांट्स, ठीक है। बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इन, बॉडी इज डिफरेंशिएटेड, इज डिफरेंशिएटेड इन रूट, या फिर रूट की जगह राइजोम्स प्रेजेंट होंगे बेसिकली, स्टेम एंड लीफ, इंस्टीड ऑफ रूट राइजोइड्स आर प्रेजेंट, राइजोइड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो इनका अगर बॉडी का हम स्ट्रक्चर डिस्कस करें, ठीक है, तो बॉडी जो होगी ना वो कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड है, लीफ स्टेम एंड रूट्स, तो रूट्स की जगह पे यहाँ पे कौन होंगे, राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे बेसिकली। इनका बॉडी का अगर स्ट्रक्चर देखें, बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, तो डिफरेंशिएटेड है, डिफरेंशिएटेड, स्टेम लीफ एंड रूट, रूट की जगह पर क्या है, राइजोइड्स प्रेजेंट है। तो बॉडी का अगर मैं स्ट्रक्चर यहां से देखूं, इनका स्टेम जो होगा, ठीक है, वो अंडरग्राउंड स्टेम है जिसकी एरियल ब्रांचेस प्रेजेंट होंगे बेसिकली, दे आर द अंडरग्राउंड स्टेम जिसको हम राइजोम्स भी बोलेंगे बेसिकली। ठीक है, तो ये उनकी एरियल ब्रांचेस है, एरियल ब्रांचेस, ठीक है। दे आर द अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम्स, स्टेम्स, और इनको राइजोम्स भी बोलते हैं, राइजोम्स, ठीक है। इन अंडरग्राउंड स्टेम से क्या हो रहा है, उनकी ब्रांचेस रिलीज हो रहा है, ब्रांचेस कैसे हैं, वो एरियल ब्रांचेस है, ठीक है। दूसरा थिंग, ब्रांचेस जो होंगी उन ब्रांचेस के ऊपर डेवलप होगा स्पोरेंजिया, ठीक है, जो उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दे आर द स्पोरेंजिया, बॉडी जो है वो पता है ना कि डिफरेंशिएटेड है रूट स्टेम एंड लीफ के अंदर, दे आर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया, डेवलप ऑन द एरियल ब्रांचेस, डेवलप्स ऑन एरियल ब्रांचेस, एरियल ब्रांचेस ऑफ स्टेम, स्टेम, ठीक है। इसको देखते हैं, लीफ फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सीलोफाइटा जो प्लांट्स हैं उनके पास लीफ जो होंगी ना वो स्केली लीफ प्रेजेंट है जो कि प्रोटेक्टिव नेचर का लीफ होगा बेसिकली, इनको हम कैटाफ्लास लीफ भी बोलते हैं, और ये नॉन फोटोसिंथेटिक होंगे बेसिकली, लीव्स आर नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, सिंथेटिक। दूसरा स्केली लीफ है, लीफ है, ठीक है, विच इज ऑल्सो नॉन एज, इज ऑल्सो
known as cataphilosophy. Cataphilus leaf, leaf basically. These leaves are protective in nature. These leaves are protective in nature. Protective in nature. Nature basically. Okay. So, ये ऐसे scales होंगे, scale like leaves हैं basically. They are scaly leaves. Scaly leaf. और cataphylus leaf है जिनका काम क्या है? Protection provide करना basically. ठीक है, ध्यान रखना कि यहाँ पे लीफ जो होगी ना वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेंगे बेसिकली. दूसरा बात, इसका अगर स्टेम देखें तो स्टेम इज अंडरग्राउंड स्टेम और फोटोसिंथेटिक स्टेम होगा. एरियल ब्रांचेस जो होंगी ना वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे बेसिकली. तो और एरियल ब्रांचेस पे डेवलप होगा क्या? स्पोरेंजिया, जो कि उनका एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है. यहाँ पे स्टेम जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम है. अंडरग्राउंड स्टेम, स्टेम डेवलप्स, इट डेवलप्स परफॉर्म्स एरियल ब्रांचेस which is photosynthetic in nature, which is photosynthetic in nature basically. Nature wise कैसे हैं वो? Photosynthetic aerial branches होंगे. ध्यान रखना कि यहाँ पे leaf जो photosynthesis perform नहीं कर रहा, इस time photosynthesis perform कर रहा. Underground जो stem होगा उसको बोलते हैं rhizomes. Underground stem is known as rhizomes. It is called rhizomes basically. Rhizomes. Okay. Aerial branches develops the sporangia. Aerial branches. It will be photosynthetic branches develops the Esporangia. वो डेवलप करेंगे क्या? Esporangia को basically. और Esporangia जो होता है उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है. तो मैं ऐसे बता रहा हूं. Esporangia is रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. Is reproductive structure which develops spores basically. ठीक है, तो स्टेम जो होगा उस स्टेम के अंदर यहां पे वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होंगे. वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट In stem basically. उस stem के अंदर present होंगे. जबकि root का अगर बात करें तो root यहाँ पे absent होगा और root की जगह पे present होंगे क्या? Rhizomes basically. They are the rhizomes. Roots are absent. Rhizomes are present instead of roots basically. Rhizomes are present instead of roots. Roots की जगह क्या होंगे वो? Rhizomes present होंगे basically. ठीक है.
मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है सीलोफाइटा के दे बिकम एक्सटिंक्ट मोस्ट ऑफ द प्लांट. इसमें से इसको फॉसिल्स प्लांट्स भी बोला गया था. मोस्ट ऑफ द प्लांट मोस्ट ऑफ द प्लांट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ दिस डिवीजन बिकम एक्सटिंक्ट बिकम एक्सटिंक्ट. वो कैसे हो चुके एक्सटिंक्ट हो चुके. ठीक है, तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द प्लांट्स को यहाँ पे क्या बोलते हैं फॉसिल्स प्लांट्स बेसिकली और एंशिएंट प्लांट्स. इनके अगर एग्जांपल हम देखें दे आर द राइजोम्स. एग्जांपल्स इस डिवीजन की जो है दे आर ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो एग्जांपल को R, P, N, H. ठीक है, R इन द सेंस राइनियर, P इन द सेंस सीलोटम, H इन द सेंस हर्नियोफाइटा. ठीक है, तो C जो है या सीलोटम जो है इट इज द लिविंग फॉसिल. इट इज कॉल्ड एज As living fossils, living fossils. जबकि राइनिया एंड हार्मियोफाइटा जो है दे आर द फॉसिल्स प्लांट. फॉसिल्स प्लांट. ठीक है, तो दिस ओवरऑल वॉज द सीलोप्सिडा डिविजन. तो सीलोप्सिडा के सारे जो मेंबर्स हैं मोस्ट ऑफ द जो मेंबर्स हैं दे आर द फॉसिल्स प्लांट. मोस्ट प्रिमिटिव टाइप्स के प्लांट थे. ठीक है, और हम ऐसा बोल सकते हैं एंशिएंट वास्कुलर प्लांट्स थे कौन सीलोफाइटा के मेंबर्स. नेक्स्ट डिवीजन इज लाइकोप्सिडा और लाइकोफाइटा. सेकेंड डिवीजन जो है दैट इज लाइकोप्सिडा और लाइकोफाइटा. तो दिस डिवीजन या लाइकोफाइटा जो डिवीजन होगा इट इंक्लूड्स क्लब मॉसेस. क्लब मॉसेस उन सबको रखा जाता है लाइकोफाइटा ग्रुप के अंदर बेसिकली. दूसरा थिंग इनका बॉडी होगा वो डिफरेंशिएटेड है रूट स्टेम एंड लीफ के अंदर. बॉडी ऑफ दीज प्लांट्स आर डिफरेंशिएटेड या बॉडी ऑफ दीज प्लांट्स इज डिफरेंशिएटेड इन रूट स्टेम एंड लीफ बेसिकली. रूट स्टेम एंड लीफ इनका जो स्टेम होगा वो इलोंगेटेड स्टेम जबकि रूट्स जो होंगे वो एडवेंटेटिव रूट्स हैं. रूट्स आर एडवेंटेटिव रूट्स. ठीक है, लीव्स का अगर बात करें तो लीव्स तो माइक्रोफिलस लीफ है इन द सेंस स्मॉल लीफ प्रेजेंट होंगे उसके स्टेम पे बेसिकली. ठीक है, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव लीफ भी प्रेजेंट होंगे जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स. स्पोरोफिल्स के ऊपर प्रेजेंट होंगी स्पोरेंजिया बेसिकली. स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होता है उसका स्पोर मदर सेल्स बेसिकली. ठीक है, तो हमने देखा था कि सीलोटम जो है या फिर टेरिडोफाइट जो है उनका बॉडी जो है वो स्पोरोफिटिक बॉडी है या डिप्लॉइड बॉडी है बेसिकली. ठीक है, तो यहाँ पे स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर मदर सेल है वो भी डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल होगा. ठीक है, जो मियोसिस डिवीजन देखेंगे स्पोर्स का फॉर्मेशन परफॉर्म करेगा. ठीक है, तो लीव्स आर हेयर
लीव्स आर माइक्रोफिलस, माइक्रो इन द सेंस कैनेमिक का मीनिंग क्या है, स्मॉल लीव, स्मॉल लीव्स आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट ऑल स्टेम ऑन स्टेम्स जो कि इलोंगेटेड स्टेम। दूसरा थिंग इसकी स्पोरोफिल्स जो कि रिप्रोडक्टिव लीव्स हैं, दे बियर्स द स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल्स जो कि क्या है, रिप्रोडक्टिव लीव है, लीव बियर्स द स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया ठीक है। एंड स्पोरेंजिया कंटेन द विच कंटेन स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल, मदर सेल। तो स्पोरोफिल्स क्या होती है, कई बार कॉम्पैक्ट होते हैं, वो कोन्स का फॉर्मेशन कर देती है, बेसिकली स्ट्रॉबेरी का फॉर्मेशन करते हैं। सम टाइम द ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया इज कंसीडर्ड एज द कोन्स। Sometimes group of sporangia, yeah, sporophylls, group of sporophylls will form the bell form cones, वो बनाते हैं क्या cones में से, ठीक है। एक स्पोरोफिल, दो स्पोरोफिल, तीन स्पोरोफिल, चार, पांच, छह, सात, इस टाइप से वो क्या है, कोन से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। और इन कोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं कौन, स्पोरेंजियास, ठीक है। तो ये ओवरऑल तो क्या बन गया, कोन्स। इसके अंदर प्रेजेंट जो है वे आर स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स बेसिकली, और स्पोरोफिल्स के अंदर प्रेजेंट जो है दे आर द स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया, ठीक है। तो बताया कि बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड है रूट, स्टेम एंड लीफ के अंदर। मैं इसका डायग्राम अगर दिखा देता हूं, डायग्राम ऑफ लाइकोप्सिया, बताया कि स्टेम जो है वो इलोंगेटेड स्टेम है जिसके ऊपर माइक्रोफिल्स एसोसिएटेड है, इन द सेंस स्मॉल लीफ एसोसिएटेड है। ध्यान रखना यहाँ पे कि स्केली लीफ नहीं है, जबकि चिलोकंडी केस में, चिलोक्सिडा के केस में जो लीव्स था वो स्केली लीफ, ठीक है। तो ये तो एलोंगेटेड स्टेम है, एलोंगेटेड स्टेम, और ये माइक्रोफिलस लीफ है, माइक्रोफिलस लीफ, और हम ऐसे बोल सकते हैं स्मॉल लीफ, लीफ ऑन स्टेम, लीव्स ऑन स्टेम, ठीक है। और यहां जो रूट्स होंगे वो एडवेंटिटिव रूट्स हैं, दे आर एडवेंटिटिव, जो उसका एक्सेस होगा स्टेम का, तो इस एक्सेस के ऊपर प्रेजेंट होती है बेसिकली स्पोरोफिल्स, और स्पोरोफिल्स जो है ना वो इसके रिप्रोडक्टिव लीव्स हैं बेसिकली, दे आर स्पोरोफिल्स। और इनको रिप्रोडक्टिव लीव भी बोला गया, रिप्रोडक्टिव लीव्स, ठीक है। पता नहीं कि अगर ये कॉम्पैक्ट हो जाती है, एग्रीगेट हो जाती है, ठीक है, तो ये बनाएंगे क्या, कोन्स बेसिकली, ठीक है।
तो इन लीव्स के ऊपर जो है वो स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, दे आर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। रिप्रोडक्टिव लीफ कंटेन स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया विच हैविंग स्पोर मदर सेल, विच हैविंग स्पोर मदर सेल, मदर सेल्स, ठीक है। तो स्पोर मदर सेल जो भी ना है, डेवलप स्पोर, डेवलप्स स्पोर्स बाय मियोसिस डिवीजन, बाय मियोसिस डिवीजन। क्यों यहां बताया स्पोर मदर सेल जो है वो डिप्लॉयड सेल्स है, तो स्पोर्स जो होंगे वो हैप्लॉयड होंगे। तो डिप्लॉयड सेल हैप्लॉयड का फॉर्मेशन करना होता है हम मियोसिस डिवीजन यूटिलाइज करते हैं बेसिकली, तो इस वजह से ये स्पोर मदर सेल जो है उसने क्या मियोसिस डिवीजन लेके नहीं स्पोर का फॉर्मेशन किया, और स्पोर जो होंगे दे रिलीज एंड जर्मिनेट टू फॉर्म द गैमेटोफिटिक लाइफ। तो गैमेटोफिटिक लाइफ के बाद फिर से वही सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा बेसिकली। दिस ओवरऑल वाज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइकोसिडा और लाइकोफाइटा बेसिकली। इनका अगर एग्जांपल देखें, एग्जांपल ऑफ लाइकोफाइटा और न्यूक्लियोमोसाइट भी बोला था बेसिकली। सैली इसी लड़की का नाम है या सैली बेसिकली। तो सैली जो है इस सैली के अंदर एस ई रिप्रेजेंट कर रहा है सेलेजिनेला को, सेलेजिनेला नेला ठीक है। एल रिप्रेजेंट करता है लाइकोपोडियम, दिस एल रिप्रेजेंट द लेपिडोडेंड्रोन, I represent the isoecs, isoecs, ठीक है। तो जो सिलेजिनेला है इसको लिटिल क्लब मॉस भी बोला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज लिटिल क्लब मॉस बोला जाता है। इसके अलावा स्पाइक मॉस भी बोला जाता है, स्पाइक क्लब मॉस मॉस। इसके अलावा बर्ड्स नेस्ट मॉस भी बोला जाता है, मॉसेस भी बोला जाता है बेसिकली, ठीक है। तो जो सिलेजिनेला होगा ठीक है ये ड्रॉट एस्केपर्स भी है कुछ स्पीसीज जो इस तरह होगा ठीक है, और रिस्ट्रेक्शन प्लांट्स भी है बेसिकली ठीक है। सम स्पीसीज स्पीसीज ऑफ सेलेजिनेला, सेलेजिनेला आर ड्रॉट एस्केपर्स, ड्रॉट एस्केपर्स और रिसेलेक्शन प्लांट्स, ठीक है। रिसेलेक्शन प्लांट्स का मीनिंग क्या है, ये ऐसे प्लांट्स हैं या ऐसे मॉसेज हैं जो कि अपने लाइफ साइकिल को ठीक है या अपनी लाइफ को ड्रॉट आने से पहले ही कंप्लीट कर लेंगे, इन द सेंस अपनी लाइफ को शॉर्ट कर लेते हैं बेसिकली। दूसरा थिंग जब कभी भी ड्रॉट आएगा ठीक है ये अपनी बॉडी को रोल कर लेगी और एक बॉल लाइफ स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट कर लेगी,
जब कभी भी ड्रॉट वहां से जाएगा या जब कभी भी फेवरेबल कंडीशन आएगा तो अपनी जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर में उसने अपने आप को रोल जो किया था उसको फिर से वो स्प्रेड कर देगा और अपना लाइफ फिर कंटिन्यू कर लेगा। इस वजह से इनको हम रिसरेक्शन प्लांट्स भी बोलते हैं और ड्रॉट एस्केपर्स भी बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, दे शॉर्ट देयर लाइफ बाय दे आर कंसीडर्ड एज ड्रॉट एस्केपर्स। इसका मीनिंग क्या है? रिसरेक्शन प्लांट और ड्रॉट एस्केपर भी इसको बोल रहे थे, ड्रॉट एस्केपर्स। क्यों बोला है? बिकॉज सिलेजिनेला कंप्लीट या सिलेजिनेला डू नॉट फेस फेस बट ड्रॉट कंडीशन, ड्रॉट कंडीशन उसको फेस नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा थिंग्स दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, देयर लाइफ साइकिल इन शॉर्ट वेट सीजन, वेट सीजन सीजन। ठीक है, ड्यूरिंग ड्रॉट दे रोल्स देयर बॉडी, अपनी बॉडी को क्या कर लेंगे वो रोल्स देयर बॉडी, देयर बॉडी लाइक बॉल बॉडी इन बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे बोल सकते हैं इन बॉल लाइक स्ट्रक्चर, लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। During favorable conditions, they spread it and complete its life cycle. Yeah, during जब कभी भी favorable condition आएगा, during favorable condition, they spread their body, they spread their body and completes its life cycle. And completes its life, life cycle. और अपनी life cycle को complete कर लेते हैं। इसी वजह से इनको क्या बोल रहे हैं? Drought escapers और resurrection plants इसी को। दूसरा Lycopodia। इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना कि कौन सी मोसेज जो है या कौन से लाइकोसिडा हैं जो कि ड्रॉट एस्केपर्स हैं और रिसरेक्शन प्लांट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। दूसरे लाइकोपोडियम जो होंगे इनको हम कॉमन क्लब मॉसेस भी बोलते हैं, बेसिकली ग्राउंड पाइंस भी बोला जाता है बेसिकली। ठीक है, एंड ट्रेलिंग एवरग्रीन प्लांट्स भी बोला जाता है Lycopodium, also known as Lycopodium को देखें, they also known as, also known as common club mosses, common club mosses, mosses. Second, ground pines भी बोला जाता है, ground pines. थर्ड ट्रेलिंग मॉसेस भी बोला जाता है, ट्रेलिंग मॉसेस ये जो कॉमन नाम है। लाइकोपोडियम जो होगा ना उसको एक होम्योपैथिक का मेडिसिन बनाने में भी यूटिलाइज किया जाता है बेसिकली। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज, इट इज यूज इन इन टॉनिक ऑफ
होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन मेडिसिन ध्यान रखना थोड़ा इसको। तो इनको कॉमन क्लब मोसेज भी बोला जा रहा है, ग्राउंड फाइंस भी बोला जाता है, और ट्रेनिंग मोसेज भी बोला जाता है। थर्ड इज लेपिडोडेंड्रोन। लेपिडोडेंड्रोन जो लाइकोप्सिडा है, दे आर ऑल्सो नोन एज द जायंट क्लब मोसेज बेसिकली, जो कि एक फॉसिल्स प्लांट्स है। तो लेपिडोडेंड्रोन दे आर ऑल्सो नोन एज, दे आर ऑल्सो नॉन एज जायंट क्लब मोसेज, क्लब मोसेज जो कि क्या एक फॉसिल्स प्लांट है। नेक्स्ट इज आइसोलिट्स। आइसोलिट्स जो भी, इसको फील वर्ड मोसेज भी बोला जाता है बेसिकली, और इसको मार्लिन ग्रासेज भी बोला जाता है, ठीक है, जो कि एक एक्वाटिक बीड है बेसिकली। ठीक है, तो आइसोलिट्स कॉमनली नॉन एज, कॉमनली नॉन एज क्वीन बर्ड मोसेज and marlin grasses, grass. It is a aquatic weed, a aquatic weed basically. So they are the examples of lycopsidal or division lycophyta. Next division is Spinopsida. Third division, Rhodopsida. Third is Spinopsida. Spinopsida या Arthropoda भी बोला गया है, या Calamophyta इसको बोला जाता है। Spinopsida के जो प्लांट्स हैं, इनका बॉडी जो होगा इज लाइक द हॉर्स टेल बेसिकली। द बॉडी ऑफ They are the body of Spinopsida plants. Is like the horse tail. And body differentiated होगा, body differentiated in root, stem and leaf basically, इसके अंदर differentiated। body जो होगा उसमें स्टेम जो है, उस स्टेम पे नोड्स एंड इंटर नोड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और नोड्स एंड इंटर नोड्स पे प्रेजेंट होंगे इसके लिए जो कि सिलिकेटेड है बेसिकली, दे आर स्केली लीव्स, सिलिकेटेड लीव्स बेसिकली।
they are scaly leaves. Leaves. Present on the node. Present on node. Of stem. Of stem. They are the sporangia. Rangia. जो कि डेवलप हुआ है एक स्पेशल ब्रांचिंग के ऊपर जिसको बोलते हैं स्पोरेंजियो फोर बेसिकल स्पोरेंजियो फोर क्या है स्पेशल ब्रांच है ब्रांच एट विच स्पोरेंजियास आर डेवलप बेसिकल डेवलप्स वो डेवलप्स दे आर द रूट्स रूट्स दिस इज द स्टेम तो स्टेम जो होगा उसके ऊपर नोड्स एंड इंटरनल नोड्स प्रेजेंट होंगे ठीक है तो यहाँ पे जो लीफ एंड स्टेम्स हैं ठीक है उनके अंदर सिलिका एसोसिएटेड होता है बेसिकली या जो लीव्स हैं वो सिलिकेटेड लीव्स हैं ठीक है जिसके एपिडर्मिस के अंदर सिलिका के पार्टिकल्स एसोसिएटेड हो जाते हैं बेसिकली वैसे ही स्टेम जो होगा उस स्टेम की जो एपिडर्मिस है उस एपिडर्मिस के अंदर सिलिकेट या सिलिका के पार्टिकल्स अरेंज हो जाते हैं ठीक है तो जब कभी भी दो हॉटस्टेल प्लांट आपस में कॉलोइड करेंगे ठीक है तो दे हैविंग द डेंजर चांस ऑफ फॉरेस्ट फायर ठीक है जो कि फॉरेस्ट के अंदर फायर कॉज कर सकते हैं वन बाय वन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाए लीफ आपका सिलिकेट है Was leaf. They are silicated and scaly, which present on node of the stem, Silicated का मतलब क्या है? Silica associated. सिलिका एसोसिएटेड लीव्स हैं ठीक दूसरा थिंग उनका स्टेम अगर देखें स्टेम तो दे इलांगेटेड होंगे नोड्स एंड इंटर नोड्स में डिस्टिंक्ट होंगे ठीक है नोड्स रीजन से स्केली लीव्स ओरिजिनेट होगा एंड सम स्पेशल ब्रांचेस ओरिजिनेट होगा जिसको हम स्पोरेंजियो और बोलेंगे बेसिकली तो स्टेम्स आर इलोंगेटेड नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट ठीक है सिलिकेटेड लीफ सिलिकेटेड स्केली लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम द या प्रेजेंट ऑन द नोड्स बेसिकली नोड्स द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम एपिडर्मिस of stem contain silica particles ठीक है उसके अंदर associated है silica particles sometimes yeah if two horsetail plant collides, then they have the chances of danger forest fire.
डेंजर फॉरेस्ट फायर, फायर उसके चांसेस होंगे। दूसरा थिंग कि जो स्कैम हो गए उस स्कैम से एक स्पेशल ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है जिन पे कि स्पोर एनजीओस एसोसिएटेड होगा, उन्हें स्पेशल ब्रांचेस फॉर्म बोलते हैं क्या, स्पोर एनजीओ फोर बेसिस। दूसरा थिंग ऑन स्कैम ए स्पेशल ब्रांचेस, स्पेशल ब्रांचेस प्रेजेंट विच बियर्स द विच कंटेन द विच कंटेन स्पोर एंजिया। दीज ब्रांचेस आर नोन एज दीज स्पेशल ब्रांचेस आर नॉन एज नॉन एज स्पोर एंजियो फोर, स्पोर एंजियो फोर बेसिकली उनको बोलते हैं क्या, स्पोर एंजियो फोर। तो स्पोर एंजियो फोर जो होंगे ना उसके ऊपर माइक्रोफिल्स एसोसिएटेड है, ठीक है, या स्पोरोफिल्स एसोसिएटेड है बेसिकली, ठीक है, और स्पोरोफिल्स के पास प्रेजेंट होंगे स्पोर एंजियल। समटाइम्स दीज स्पोरोफिल्स बिकम कॉम्पैक्ट, ठीक है, टू फॉर्म द कोन्स बेसिकली, ठीक है। स्पोरेंजियल फोर्स जो होंगे ना दे कंटेन कंटेन स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स बेसिकली, और इनको रिप्रोडक्टिव लीफ भी हम बोलते हैं जिसके पास स्पोरेंजिया एसोसिएटेड होता है, कंटेन द स्पोरोफिल्स बेसिकली। इफ स्पोरोफिल्स फिल्स बिकम कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट देन दे फॉर्म द फॉर्म्स कोन्स बेसिकली, वो फॉर्म करते हैं किसको, कोन्स, ठीक है। स्पोरोफिल्स कंटेन द स्पोरेंजियम कंटेन्स स्पोरेंजियम स्पोरेंजिया बेसिकली एंड स्पोरेंजिया हैविंग विच हैविंग हैविंग स्पोर मदर सेल्स, वो ये उस जगह पे क्या होगी, स्पोर मदर सेल्स, मदर सेल्स जो कि स्पोर फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले कर रही है। तो दिस ओवरऑल द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑफ स्फिनोप्सिडा मेंबर्स बेसिकली। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल्स आर एग्जाम्पल ऑफ स्फिनोप्सिडा इन प्लांट्स को हम हॉर्स टेल प्लांट्स भी बोलते हैं क्योंकि इनका बॉडी जो है हॉर्स के टेल जैसा है। एग्जांपल ऑफ डिवीजन इज बीन ऑफ सिडा सिडा इज एग्जांपल जो है उनको याद करने के लिए मैं क्या एक थोड़ा सा सेंटेंस बनाया हैज एच ई और एस एस, ठीक है। तो हैज के अंदर तो हाई एनजिया ई इन द सेंस इक्विशिटम सीटम जिसको हम पाइप भी बोलते हैं एंड एस इन द सेंस स्पिनोफाइला स्पिनोफाइला बेसिकली, ठीक है। दे आर द एग्जाम्पल ऑफ
स्पिनोप्सिडा और आर्थ्रोफाइटा और कैलेम्बोफाइटा बेसिकली। नेक्स्ट डिवीजन दैट इज फिलिसिना, जिसके अंदर फर्न्स को इंक्लूड किया, सारे फर्न्स जो भी दे आर इंक्लूडेड इन फिलिसिना। फोर्थ जो डिवीजन है दैट इज फिलिसिना और फिलिकोफाइटा बोलते हैं, फिलिकोफाइटा। दिस डिवीजन इंक्लूड्स, दिस डिवीजन इंक्लूड्स ऑल फर्न्स, जो फर्न्स है वो सारी इंक्लूडेड है किसके अंदर, फिलिसिना के अंदर और फिलिकोफाइटा डिवीजन के अंदर। बेसिकली इनका बॉडी जो होगा ना वो डिवाइडेड होगा रूट स्टेम एंड लीफ के अंदर। बॉडी ऑफ, ये बॉडी डिवाइडेड इन, डिवाइडेड इन रूट स्टेम एंड लीफ, एंड लीफ। तो रूट जो होंगे दे प्रेजेंट एट द बेस, रूट्स प्रेजेंट एट बेस बेसिस, जबकि स्टेम जो होगा वो स्मॉल स्टेम, स्मॉल स्टेम, ठीक है। कंटेन द मल्टी सेलुलर हेयर्स, कंटेन मल्टी सेलुलर हेयर, मल्टी सेलुलर हेयर ये प्रेजेंट होंगे, जिसको रेमेंटा बोलेंगे। क्योंकि लीफ जो होगा ये बड़ी लीफ होगा, मल्टी नर्व लीफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लीफ को मेगा प्लस लीफ भी बोलेंगे एंड मैक्रो प्लस लीफ भी बोलेंगे। बेसिकली जो लीफ के ऊपर भी मल्टी सेलुलर हेयर्स प्रेजेंट होंगे, जिनको हम रेमेंटा बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। वेयर लीव्स आर, लीव्स आर मल्टी नर्व, मल्टी नर्व, ठीक है। मल्टी नर्व इन द सेंस उनके पास डेनलेट प्रेजेंट होंगे, मैक्रोफिलस लीफ, मैक्रोफिलस और मेगाफिलस लीफ भी बोलते हैं, मेगाफिलस प्लस लीफ, ठीक है। लीफ पर देंगे लीव्स हैविंग मल्टी सेलुलर हेयर्स, मल्टी सेलुलर हेयर हेयर्स नॉन एस रेमेंटा, नॉन एस रेमेंटा, ठीक है। और रेमेंटा जो है फॉर प्रोटेक्टिव पर्सन पर्पस, फॉर प्रोटेक्शन, सिंपल। तो ध्यान रखना रेमेंटा है क्या बेसिकली, ठीक है, और किस पर्पस से वो डेवलप हुआ। दूसरा थिंग्स की यहाँ पे जो फर्न्स के पास सारी जो लीव्स होंगी वो रिप्रोडक्शन के टाइम स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट परफॉर्म करेंगे, और इस जगह पे कोन्स जो होंगे वो एबसेंट होंगे, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑफ रिप्रोडक्शन एवरी लीव विल डेवलप द स्पोरेंजिया, विल डेवलप स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया अरे लीफ क्या नाम करेंगे, स्पोरेंजिया डेवलप करेंगे। दूसरा थिंग्स कि यहाँ पे कॉन्स जो होंगे ना वो एब्सेंट होंगे, हेयर कॉन्स आर एब्सेंट, हेयर कॉन्स आर एब्सेंट, बेसिकली वो क्या है एब्सेंट, ठीक है। बॉडी का स्ट्रक्चर ये डायग्राम होगा,
ये मल्टी नर्व न्यूरॉन सेल। लार्ज लीफ फॉर्म में बेसिकली बेस जो का है दिस इज द स्टेम, और यहां से ओरिजिनेट होने क्या रूट्स इसी का दे आर माइक्रोफिलस लीफ, माइक्रोफिलस लीफ बेस जो कि मल्टी नर्व है। बॉडी जो का वो डिफरेंशिएटेड है रूट स्टेम एंड लीफ के अंदर, ठीक है। तो इनके ऊपर मल्टी सेलुलर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसको रिमेंटा बोलेंगे, जो कि एक प्रोटेक्शन पर्पस से डाला हुआ है, ठीक है। तो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ फिलिकोफाइटा और फार्सिस। नेक्स्ट इनकी एग्जांपल्स अगर देखें, एग्जांपल ऑफ फिलिकोफाइटा और फिनिस, एग्जांपल ऑफ फिलिकोफाइटा और फिलिसिनाइडी, एग्जाम्पल और फिलिकोफाइटा जो मेंबर है या डिवीजन है उसके एग्जाम्पल्स, जिसके एग्जाम्पल्स हम ऐसे भी याद कर सकते हैं बेसिकली बी एंड ए, ठीक है। पी इन द सेंस टेरिडियम, पी इन द सेंस टेरिस, डी ड्राइव टेरिस, ए इन द सेंस एडियम, ठीक है। तो टेरिडियम एंड टेरिस जो होंगे इनको हम सन पल्स भी बोलते हैं, जैसे इनका कॉमन नाम जो है इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक एंड पल्स और सन पल्स, बेसिकली। तो टेरिडियम एंड टेरिस आर ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज ब्लैक एंड पल एंड सन पल्स, सन पल्स भी बोलते हैं। क्योंकि ड्रैग टेरिस जो होगा इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रुप सीड पल्स, ठीक है। ड्रैग टेरिस ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नॉन एज ग्रुप सील फर्न्स, सील फर्न्स उनका कॉमन नाम ध्यान रखना थोड़ा, क्योंकि कॉमन नाम के बेसिस पे क्वेश्चन देता है लीफ के अंदर ग्रुप सील फर्न्स, ठीक है। जबकि एडिएंटम जो होगा इट इज ऑल्सो नॉन एज द वॉकिंग फर्न्स, ऑल्सो नॉन एज वॉकिंग फर्न्स, फर्न्स इसको वॉकिंग फर्न्स क्यों बोला है, रीजन क्या उसके पीछे, ये लीफ के थ्रू ना फास्ट और रैपिड डिवीजन शो करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करता है बेसिकली, ठीक है। तो इट शोज द रैपिड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इट शोज रैपिड वेजिटेटिव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन from the margin of the leaf, from the margin of leaf, of leaf, ठीक है। इस वजह से इसको क्या बोला है, वॉकिंग फर्न्स भी बोला है इसको। अदर एग्जांपल जो है दे आर कुछ और एग्जांपल जो है दे आर तो हम वैसे भी याद कर सकते हैं उमा, ठीक है। तो उ में ओ जो है दैट इज ऑस्मुंडा, ठीक है। ऑस्मुंडा जो है इसको हम कॉमनली नोन एज रॉयल फर्न भी बोलते हैं,
रॉयल फर्न और एंड फ्लावरिंग फर्न्स भी इनको बोलते हैं, फ्लावरिंग फर्न्स। जबकि ओ इज द ऑफियोग्लोसम, ऑफियोग्लोसम बेसिकली ऑफियो, इसको कॉमनली एडर्स टाइप फर्न्स भी बोला जाता है, कॉमनली ऑल्सो नॉन एज, ऑल्सो नॉन एज एडर्स टंग फर्न्स, टंग फर्न्स के नाम से भी जाना जाता है। जबकि मार्सिलिया जो है इट इज ऑल्सो नॉन एज, ऑल्सो नॉन एज पेपर्स वर्ट फर्न्स बोला जाता है, फर्न्स ठीक है। एजोला ठीक है, इसको एक्वेटिक फर्न्स भी बोलते हैं और स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट भी बोलते हैं, एक्वेटिक फर्न। दूसरा स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट भी बोलते हैं, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट फाइट ठीक है। इसको एज ए बाय फर्टिलाइजर्स भी यूटिलाइज किया जाता है, यूज एज ए बायो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स क्योंकि इनकी लीव्स के पास नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, इस वजह से इसको क्या है एज ए बायो फर्टिलाइजर्स भी यूटिलाइज किया जाता है बेसिकली ठीक है। सम अदर एग्जांपल जो है दे आर, मैं से लिख रहा हूँ ओ का बी, का बी बेसिकली, तो ओ इन द सेंस कोनाइकियम, सी इन द सेंस साइथिया, ए इन द सेंस ऑल्सो फिला, फिला सी इन द सेंस थस बेसिकली, और बी इन द सेंस बॉट्राइकियम, बॉट्राइकियम। तो इनके जो कॉमन नाम्स हैं वो कॉमन नेम्स क्या है, ओनाइकियम जो होगा ऑल्सो नोन एज गोल्डन फर्न्स, ऑल्सो नोन एज गोल्डन फर्न्स फर्न्स। साइथिया जो होगा इट इज ऑल्सो नोन एज लॉफ्टी फर्न्स, लॉफ्टी फर्न्स के नाम से उसको जाना जाता है। ऑल्सो फिला जो होगा इट इज नोन एज द ट्री फर्न्स, ट्री फर्न्स फर्न्स, और इसको लार्जेस्ट टेरिडोफाइट भी बोला जाता है, और लार्जेस्ट टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट भी बोला जाता है। चिलेंथस जो होगा इट इज ऑल्सो नोन एज द सिल्वर फर्न्स, सिल्वर फर्न्स। जबकि बॉटराइकियम जो होगा इट इज नोन एज द मून वर्ड फर्न्स, मून वर्ड फर्न्स के नाम से इनको जाना जाता है। तो दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फिलीजनीसाए डिवीजन और द फिलीको फाइटर डिवीजन, जिसके अंदर मोस्टली फर्न्स को इंक्लूड करके रखा गया है ठीक है। तो इनके कॉमन नेम अच्छे से याद रखना, कॉमन नेम के बेसिस पे क्वेश्चन देता है। तो दिस ओवरऑल वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स ठीक है। नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म्स हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।